हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज नूडल्स या फिर वेज चाउमीन। ये यहाँ पर मैं आज आटे का चाउमीन बनाने जा रही हूँ, जो कि थोड़ा हेल्दी होता है कंपेयर देन मैदे का जो नूडल होता है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये चाउमीन बनाना शुरू करते हैं, वेज चाउमीन। तो मैंने उसके लिए एक बड़ा बर्तन लिया हुआ है उसे बॉईल करने के लिए, और इसमें मैं 2 बड़े गिलास पानी डाल दे रही हूँ। और पानी को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं, हमें तुरंत इसमें नूडल्स को ऐड नहीं करना होता है। थोड़ा हम पानी को पहले गर्म होने देते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा जब बॉईल आना शुरू हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद ही हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे देखिए, मैंने आटे का जो नूडल होता है, आटे का चाउमीन, हम वो डाल रहे हैं। मैदे का यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आटे वाला नूडल डाल रही हूँ, तो इसे हम बॉईल होने देते हैं। तो ये धीरे धीरे बॉईल शुरू हो गया है होना, तो ये देखिए इस तरीके से। तो इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच तेल इसमें डाल देते हैं। जो कि नमक हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो थोड़ा नमक का फ्लेवर चला जाए जब हम इसे लास्ट में ऐड करते हैं, तो नमक का फ्लेवर इसके अंदर भी थोड़ा चला जाए बॉईल होके अच्छे से। और तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि जब ये इसे हम छान लें तो ये एक दूसरे से चिपके ना, बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, अलग अलग ही नूडल्स ये बनके तैयार हो, इसलिए हम यहाँ पे तेल डालते हैं। तो अब हम देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। तो इसमें से हम एक नूडल उठाएंगे और ये देखिए इस तरह से आसानी से प्रेस हो जा रहा है, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गया है इस तरीके से, देखिए। तो इसे हम अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम छान लेते हैं अच्छे से, इस तरह से चला के हम इसे फिर हम छान लेते हैं इसे अच्छे से। और उसके ऊपर हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है। उसके बाद बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे तेल यूज कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें हम ये प्याज स्लाइस कर लिया है मैंने, एक प्याज, बड़े प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है। इसमें स्लाइस प्याज ही डालते हैं, थोड़े मोटे मोटे जो होते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर ये अच्छे से नहीं हो गए हैं तो इस तरीके से स्पैचुला से इसे प्रेस कर देंगे तो ये इसके सारे फ्लेक्स अलग अलग हो जाएंगे प्याज के, इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा प्याज कट किया है, बिल्कुल बारीक नहीं कट किया है, पतला पतला। तो इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है, 15 से 20 सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें इसे एक बार और हम इसे चला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो सारी सब्जियां हमने काट ली हुई हैं हम वो डाल देंगे। तो इसके बाद ये मैंने एक छोटा गाजर का टुकड़ा मैंने लिया है, इसे लंबे लंबे कट कर लिया है। और इन सब्जियों को अब हमें ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं भूनना है, बस ऐसे ही हमें 5 से 10 सेकंड तक सॉटे कर लेना है इन सारी सब्जियों को। इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम आप इसमें कोई भी सब्जी जैसे आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें बीन्स भी आप कट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा कैप्सिकम ऐसे लंबे लंबे टुकड़े में काट लिया है, उसे भी डाल देते हैं। बस हमें ये करना है कि इन जो ये सारी जो सब्जियाँ हैं इनमें से इनका क्रंच नहीं जाना चाहिए, हमें ओवर कुक इन्हें बिल्कुल नहीं करना है। अगर इन सब्जियों को ओवर कुक कर देंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगी और इसमें क्रंच बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसे कि मार्केट में चाउमीन जो मिलता है
वैसे जो मार्केट चाउमीन में होता है ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके बाद ये पत्ता गोभी हमने डाल दिया है, तो इसे भी हम चला लेते हैं। इस तरीके से। तो अब हम इसमें थोड़ा हम जो हमारी सॉसेस हैं हम वो डालेंगे। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा हमने नहीं पकाया है। ये सारी जो सब्जियां हैं उनका एकदम एक्चुअल कलर दिख रहा है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़े थोड़े सॉसेस डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डार्क सोया सॉस लिया है, इसमें मैं एक चम्मच सोया सॉस डालती हूँ, एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल देती हूँ, ये रेड चिली सॉस है, और इसके साथ ही एक चम्मच मैं टोमेटो केचप डाल देती हूँ। एक एक चम्मच हम सारे सॉसेस को डाल देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चम्मच ये ग्रीन चिली सॉस, आप यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों सॉसेस डालें, आपके पास जो हो या रेड चिली हो वो आप वो डाल सकते हैं, ग्रीन चिली हो आप वो डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच वेनेगर डाला है। और उसके साथ ही थोड़ा हमने यहाँ पे सब्जियों के लिए नमक डाला हुआ है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ये इस तरीके से, इन सारी सब्जियों को सॉस के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें नमक थोड़ा कम डालना है क्योंकि जो सोया सॉस होता है उसमें ऑलरेडी नमक उसमें होता है, इसलिए हम टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसमें ये जो चाउमीन है ये देखिए बिल्कुल कितना अलग अलग है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो हम इसमें डाल देते हैं, हम यहाँ पे आधा आधा करके इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जब मिक्स नहीं होता है तो हम एक स्पून की हेल्प ले लेते हैं, और एक स्पून से हम इस तरीके से, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है बनाने के लिए, बड़ा तवा टाइप का, तो आप बहुत ही आसानी से इसे मिक्स कर सकते हैं, ये इस तरीके से। इससे क्या है जो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है सारी सब्जियों के साथ, और सारे जो नूडल्स हैं उसमें अच्छे से फ्लेवर भी आ जाता है, कहीं पे कच्चा या कहीं पे पका हुआ बिल्कुल नहीं रह जाता है स्पैचुला से चलाने पे। तो इस तरीके से आप दो स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम चला लेते हैं इन सबको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं ताकि ये जो नूडल्स अच्छे से पक जाए इन सब्जियों और सॉस के साथ, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है। तो गैस हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने एक प्लेट लिया है सर्व करने के लिए, तो उसमें मैं ये देखिए कितने अच्छे से ये चाउमीन बना हुआ है, वेज चाउमीन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, एकदम मार्केट जैसा ये। और घर में बिल्कुल आसान से चीज़ों से जो हमारे घर में हमेशा इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो आप इसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए कैसा लगा। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये नूडल्स की रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये।